आई रिमेम्बर जब मैं PSCC में काम करता था, लाइक PSCC या PSCC टच, मतलब मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सीसी टच से हम PSD में एक्सपोर्ट तो कर सकते थे, लेकिन उस फाइल को हम PSCC में इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते थे PSCC में, वो हम फिर से इंपोर्ट करके उसको री एडिट नहीं कर सकते थे। लाइक PSCC लाइक हम बहुत क्रैश होता था, एंड क्रैश के बाद तो भाई फाइल्स मिलना एकदम ही, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट्स है उसको मिलना एकदम ही नामुमकिन हो जाता था भाई। IBIS से हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक ये जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो मेरे, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड इम्पोर्ट करके इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट, इज लाइक PSD फाइल जो फोटोशॉप PC में यूज़ होता है, लाइक आप PSD में उसको एक्सपोर्ट या फिर सेव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, एंड देन आप इम्पोर्ट करके फिर से एडिट कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ इस मेरे प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इधर कुछ एक टेक्स्ट लेयर है, लाइक इधर आप देख सकते हो कि इधर एक टेक्स्ट लेयर है एंड कुछ बैकग्राउंड लेयर एंड एक मेरा गाइडलाइंस लेयर, गाइडलाइन लाइक दिस ऑफ। सो इस प्रोजेक्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ मेरे फ्यूचर यूज़ करने के लिए, लाइक अगर मेरा IBS का कुछ हो गया या फिर IBS पे इंस्टॉल हो गया, सो उसको मैं रिकवर कर सकूँ। तो इसके लिए आपको जाना होगा शेयर वाले ऑप्शन में, आपको मिल जाएगा नीचे, एंड देन आपको चूज़ करना है आर्ट वर्क या IPV। फॉर योर बेटर नॉलेज आप इसमें PSD में भी सेव कर सकते हो, अगर आप चाहो कि आप फोटोशॉप में इसको एडिट करना चाहो तो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि IBS में इसको इंपोर्ट करना, सो इसके लिए आपको चूज़ करना होगा IPB जो कि है IBIS का प्रोजेक्ट फाइल। सो इसको मैं चूज़ करूँगा इधर, एंड देन अगर आपका MIUI है या फिर MIUI का कोई फ़ोन है Xiaomi का, तो इस टाइप का अगर लैंडस्केप मोड यूज़ करते हो तो इधर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको चूज़ करना होगा पोर्ट्रेट मोड, देन लाइक सेम प्रोसेस, इधर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारे। सो अगर आपका MI का फ़ोन है तो आप चूज़ कर सकते हो कॉपी टू एंड आपका इंटरनल स्टोरेज में हो गया। आपका किसी और का फ़ोन है, मतलब किसी और ब्रांड का, तो उसके बारे में भी मैं प्रोसेस बता दूंगा। तो उसके बाद आप पूछोगे कि मैं इसका इंपोर्ट कैसे करूं, लाइक मैंने IBS में गया एंड इसको मैंने कर दिया डिलीट। सो सी इधर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, मेरा इधर मेरा वो प्रोजेक्ट नहीं है, लाइक मैंने गलती से डिलीट कर दिया ऐसा समझ लो। सो आप इधर से इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को जो मैंने सेव किया है, एक्चुअली जो फाइल है हमारा। तो इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, एंड जहाँ पे आपने अपना फाइल को सेव किया है, लाइक जो है यूनिट 35 आई थिंक यही है। सो इसको उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है एंड करना है शेयर, और उसके बाद IBS पेन इसको चूज़ करना है एंड डन। देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ गया। इधर मैं फिर से खोल कर दिखाता हूँ, इधर आप वही है हमारा टेक्स्ट लेयर भी है, लाइक मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। सो या सो एकदम PSD की तरह ये फाइल है, आप इससे एडिट कर सकते हो, आपने जितने भी क्लिपिंग मास्क वगैरह किया है वो भी सेम टू सेम ही रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एक अलग लेयर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपका आर्टवर्क का जो अपना फाइल है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। आप अगर मेरे से पूछोगे कि मेरा MI का फ़ोन नहीं है या फिर आपके वाले फ़ोन में उधर कॉपी टू का ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, तो आपको शेयर करना, उसके बाद आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, एक है सेव टू ड्राइव, जैसे आप सेव टू ड्राइव कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि अपलोड, इधर से आप जो IBS का जो सर्वर है उधर आप अपलोड कर सकते हो,
ये थोड़ा जो आपका वीडियो है वो इनकट हो जाएगा, है ना, जो आपका आर्ट वर्क है वो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस सबके साथ तो शेयर नहीं करेगा ना, इसके लिए आप क्या करो, इसको शेयर करो एंड उसको कर दो ड्राइव में अपलोड, उसके बाद डाउनलोड कर लेना एंड सेम टू सेम जैसा मैंने शेयर किया एंड शेयर करके IBIS चूज़ कर लेना, सो इम्पोर्ट हो जाएगा। आप डिफरेंट फाइल मैनेजर चूज़ कर सकते हो अगर आपके शेयर करने के बाद IBIS का ऑप्शन नहीं आ रहा। दिस इज़ द प्रोसेस जिससे आप IBIS में प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो। तो गुड बाय फिलर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।